एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी। इसे मैंने सरस्वती पूजा के लिए क्रिएट किया है। तो पहले हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, तो इसके लिए मैं हिमालय का मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज कर रही हूँ। इसे हमें अपने फेस पे अच्छी तरह से मसाज करते हुए अप्लाई कर लेना है। अब अपने आईब्रोज को फिल कर लेंगे, तो यहाँ मैं हिलारी रोडा का आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। इसमें स्पूली भी आती है, तो सबसे पहले मैंने कॉम्ब कर लिया है, उसके बाद आईब्रोज को फिल कर लूंगी। हमें इसे हल्के हाथों से ही फिल करना है जिससे कि ये नेचुरल लगे। हमारी दोनों आईब्रोज फिल हो गई है, तो अब हम फिर से स्पूली से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लेंगे। और अब हम अपने लिप को भी मॉइस्चराइज कर लेंगे, तो मैं यहाँ निविया का लिप बाम यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं NYV का फाउंडेशन स्टिक का यूज कर रही हूँ। ये ऑल इन वन स्टिक है, ये फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर ये सभी का काम करती है। इसे हमें अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई कर लेना है, फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये बेस मेकअप का काम करेगी। इससे कोई भी आई शेडो अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से उभर कर आएगी। कंसीलर को सेट कर लेंगे, तो इसके लिए मैं ब्यूटी ग्लेज का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से हमें सबसे लाइटर शेड लेकर कंसीलर को सेट कर लेना है। आप इसकी जगह पे लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट का भी यूज कर सकते हैं। येलो शेड लेंगे, इसे अपने पूरे आईलिड एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। इसे थोड़ा डार्क येलो शेड लेंगे और उसे भी अपने पूरे आईलिड एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। इसे हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमें अपनी पसंद का कलर ना मिल जाए। अब हम गोल्डन ग्लिटर लेकर इसे अपने हाफ आईलिड एरिया पे अप्लाई कर लेंगे। इसे हमें अपने क्रीज लाइन तक ही अप्लाई करना है। दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि ये हार्श ना लगे। अब अपने आईलैश को कर्ल कर लेंगे और फिर मस्कारा अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज कर रही हूँ।
स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें प्राइमर अप्लाई करना है, तो यहाँ मैं NYB का प्राइमर यूज कर रही हूँ। बीबी क्रीम अप्लाई करेंगे, यहाँ मैं पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो बीबी क्रीम की जगह पे सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे टीनेजर के लिए क्रिएट किया है, इसके लिए मैं पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ। इसकी भी कवरेज काफी अच्छी होती है। इसे पूरे फेस पे और नेक पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेंगे, फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसे हमें टाइम देकर अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आ रहा है या फिर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर ले, इससे आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी, और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट अप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ मेवलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। इससे हम अपने पूरे मेकअप को डैब डैब करके सेट कर लेंगे। इस लुक को क्रिएट करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज किया है उन सबको मैं शेड के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल हैं। अब लाइटर येलो शेड लेकर इसे हम अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। ब्लश अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं SFR कलर्स का ब्लश कॉन्टोर और हाइलाइटर पैलेट यूज कर रही हूँ। ये भी काफी अफोर्डेबल है और पिगमेंटेड भी है, आप खुद ही देखेंगे ये कितनी पिगमेंटेड है। फेस को हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ मैंने सेम पैलेट से हाइलाइटर यूज किया है। अब लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं NYB की लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक काफी अफोर्डेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, वाटरप्रूफ और लाइट वेटेड होती है, ये मुझे काफी पसंद आती है। इसमें बहुत सारे शेड है और सारे शेड्स काफी ब्यूटीफुल हैं, आप इसे जरूर ट्राई करें। और ये मेरा फाइनल लुक है, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को मेरा फाइनल लुक पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर ले, इससे आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।